हरियाणा के नूह में सोमवार को ब्रजमंडल 84 को शोभा यात्रा पर पथराव और फायरिंग के बाद हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। पत्थरबाजी, गोलीबारी और आगजनी में दो होमगार्ड के जवानों समेत 5 मौत हो गई हैं। नूह हिंसा में डीएसपी समेत 12 पुलिस कर्मचारी घायल हैं। इसके अलावा 20 से अधिक आम लोग घायल हैं। तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए बवाल के बाद काफी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात कर दिया गया है और आज इसी पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हाई लेवल बैठक हुई। मुख्यमंत्री के साथ गृह मंत्री अनिल विज, मुख्य सचिव संजीव कौशल, मुख्यमंत्री के प्रधान मुख्य सचिव डीएस ढेसी, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉक्टर अमित कुमार अग्रवाल बैठक में मौजूद रहे। साथ ही वर्चुअल तौर पर पुलिस महानिदेशक पीके अग्रवाल, एडीजीपी सीआईडी आलोक मित्तल बैठक में जुड़े। इसी पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सुनियोजित और षड्यंत्र के तहत यात्रा को भंग किया गया, जो एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा करती है। मामले में अब तक 44 FIR दर्ज की गई हैं और 70 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। देखिए, कल जो 31 तारीख को नूह में घटना हुई, बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस घटना के होते ही जब हमको पता लगा तो हमने अपने पुलिस के सब उच्च अधिकारियों को, डीजीपी साहब, एडीजी सीआईडी, एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर और अन्य आसपास के जिलों से भी पुलिस फोर्स को तुरंत वहाँ रवाना किया। दोपहर 2 बजे के आसपास की ये घटनाएं हैं। घटना इस प्रकार हुई कि वहाँ समाज की एक यात्रा जो हर वर्ष निकलती थी उसका आयोजन किया जा रहा था और कुछ लोगों ने एक षड्यंत्र रच करके उस यात्रा पर आक्रमण करना शुरू किया और आक्रमण न केवल यात्रा पर बल्कि पुलिस के ऊपर भी उन लोगों ने किया, जिसके परिणाम स्वरूप यात्रा को भी भंग किया गया और बहुत से स्थानों पर आगजनी की घटनाएं हुई, गाड़ियां जला दी गई। निश्चित रूप से एक बड़े षड्यंत्र का कहीं ना कहीं हिस्सा लगता है। अब काफ़ी मात्रा में मैं कह सकता हूं कि पुलिस ने और जो केंद्र सरकार की ओर से हमने निवेदन किया था, वहां से जो केंद्रीय सुरक्षा बल 16 कंपनीज वहां पहुंच चुकी हैं, 30 कंपनीज हरियाणा पुलिस की भी वहां पहुंची हैं। इन सब ने नूह में स्थिति को सामान्य किया है। आसपास के जिलों में भी छुटपुट घटनाएं जो हुई थी, चाहे वो पलवल की हैं, गुरुग्राम की हैं अथवा फरीदाबाद की हैं, उन सब पर काबू पा लिया गया है। सब जिलों में शांति स्थापित इस समय की गई है। फिर भी एहतियात के तौर पर वहाँ कर्फ्यू लगाया गया है। कुछ जिलों में 144 धारा भी लगाई गई है, सारी नज़र रखी जा रही है। जो लोग इस षड्यंत्र में नूह से बाहर के भी शामिल हुए हैं, उनको निश्चित रूप से पहचान करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी तक सब मिलाकर 44 के आसपास FIR हुई हैं और 70 लोगों के खिलाफ अभी नामजद उनको किया गया है, उनको हिरासत में लिया गया है। छानबीन के बाद जो भी दोषी लोग होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा और जिन लोगों का नुकसान हुआ है, जानी नुकसान हो या माली नुकसान हो, अभी तक जानकारी है कि 5 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें 2 पुलिस के कर्मचारी हैं और 3 सिविलियन हैं। इन सबको, चाहे जानी नुकसान अथवा माली नुकसान है, इन सबको मुआवजा ज़रूर दिया जाएगा। और मैं अपील भी करता हूँ कि जहाँ जहाँ इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं, जनता के सब लोग शांति बहाल करने के लिए आगे आए। एडमिनिस्ट्रेशन ने भी शांति कमेटी की जो एक मीटिंग की है, उसके अनुसार मैं आशा करता हूँ कि सब लोग शांति बनाने में और सहयोगी होंगे और आगे कोई स्थिति न बिगड़े, इस प्रकार का सुनिश्चित जरूर करें। बता दें, अब राज्यसभा में भी नूह हिंसा का मुद्दा उठ गया है। आप सांसद सुशील गुप्ता और संजीव अरोड़ा ने राज्यसभा अध्यक्ष को नूह हिंसा को लेकर नोटिस दिया है। दोनों सांसद राज्यसभा में इस घटना पर चर्चा करना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।